चलो आज अपन शुरू करते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर 5 एनसीईआरटी मेंस। अगेन कंटिन्यूटी हिंदी में इसे कहा जाता है सातत्य। इसका दूसरा भाग डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता। हम पहले शुरू करेंगे सातत्य से और सातत्य के बाद में डिफरेंशिएबिलिटी एंड देन डेरिवेटिव। ओके आगे बढ़े सातत्य में, सातत्य से शुरू करते हैं। जैसा कि उसका नाम है सातत्य, सातत्य का मतलब किसी फलन का उसकी डोमेन के अंदर सतत चलना है ना। जैसे ये वक्र है, ये जो कर्व जा रहा है ये कर्व अपने डोमेन में सतत है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसमें कोई ब्रेकिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये फलन क्या है सतत है उसकी डोमेन में। तो कंटिन्यूटी को जो होता है कंटिन्यूटी को इसका एक भाव असतत क्या होता है, असतत ये होता है कि यदि कोई कर्व थोड़ी थोड़ी दूर पर जाने के बाद में वो अपने पॉइंट्स को छोड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्व असतत है। जैसे वाला मान x का जब हम कर्व बनाते हैं तो वो इस टाइप से चलता है। ये जो कर्व है ये सभी चीजें क्या है असतत है। ये तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, पर हम यदि नेगेटिव साइड से जीरो तक आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद में इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा। इस प्रकार के कर्व को क्या कहा जाता है असतत कर्व। वो कर्व जो सीधे सीधे पूरे डोमेन में एक से एक सतत चलता है उसको क्या कहा जाता है सतत। कंटिन्यू कंटिन्यूटी शब्द बनेगा कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू जो कि बार बार ब्रेक होता है उसे कहा जाता है सतत एवं असतत। अब इसको अपन रिलेट करते हैं अपने मैथमेटिक्स रिलेशनशिप के साथ में। यदि कोई फलन y equal to fx, कोई फलन y equal to fx सतत है तो हमें सबसे पहले इसकी डोमेन पता होनी चाहिए, इसकी डोमेन क्या है, ये कहां से कहां तक वर्क करता है, और फिर उसके बाद में हमारा कॉन्सेप्ट आता है जो हमने पिछले साल में पढ़ा है क्लास 11 में सीमा, जिसमें हमने निकाला था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यदि राइट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो सीमा का अस्तित्व होता है, लिमिट एग्जिस्ट होती है। और यहां पर जब सातत्य की बात आती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। मतलब यदि हम x equal to a पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, x equal to a पर हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो a पर फलन का मान भी उसी के बराबर होना चाहिए। यदि ये तीनों बराबर है तो फलन सतत होगा। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, यदि कोई कर्व है जो इस तरफ से आ रहा है x equal to 2, जो इस तरफ से चल रहा है x equal to 2 पर आने पर वो अपनी वैल्यू 6 ला रहा है तो फलन सीमा का अस्तित्व हुआ। बट एट x equal to 2 भी उसका मान फलन का मान भी f2 भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ फलन सतत है अदरवाइज असतत है। हम ये भी कह सकते हैं एक नंबर लाइन के ऊपर यदि हम x equal to 2 पर चेक कर रहे हैं तो x equal to 2 माइनस इस तरफ से आने पर यदि हम ये वैल्यू को अटेन कर रहे हैं तो फलन सतत है, और यदि इस वैल्यू को अटेन नहीं कर रहे हैं तो फलन असतत है। तो अगर अपने सम्स पे चले तो ज्यादा बेटर होगा, जिससे हमको समझने में आएगा कि सतत क्या होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, हिंदी में बोले तो दक्षिणस्थ सीमा बराबर होनी चाहिए वामस्थ सीमा के, और वो बराबर होनी चाहिए उस बिंदु पर फलन के मान के। अब असतत, असतत का मतलब मैंने भी आपको बताया, तो असतत कितने प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार से हो सकता है। असतत कितने प्रकार से हो सकता है, असतत होने के तीन कारण हो सकते हैं। नंबर एक कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे, मतलब सीमा का अस्तित्व ही नहीं हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फिर भले ही फलन का अस्तित्व हो या ना हो, फलन परिभाषित हो या ना हो, तब भी क्या होगा असतत होगा। दूसरा यदि सीमा का अस्तित्व है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, परंतु फलन अपने डोमेन में परिभाषित नहीं हो, मतलब एफ ए इज नॉट डिफाइंड, तो भी फलन क्या होगा असतत होगा। और तीसरा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब सीमा का अस्तित्व भी है, फलन भी परिभाषित है, परंतु उसका मान उस बिंदु पर बराबर नहीं है तो भी फलन क्या होगा असतत होगा। ठीक है ना, जबकि सीमा का अस्तित्व नहीं, सीमा का अस्तित्व नहीं हो, दूसरा सीमा का अस्तित्व है परंतु फलन परिभाषित नहीं है, तीसरा सीमा का अस्तित्व है फलन परिभाषित है किंतु वो सीमा के मान के बराबर ना हो,
तब ये तीन शर्तों पर तीन स्थितियों में कोई भी फलन असतत होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यदि हमसे कोई कह दे, अब यहाँ पर भी क्या होता है, डोमेन डोमेन के अलावा जब डोमेन होती है कभी कभी डोमेन ओपन इंटरवल में और कभी कभी डोमेन क्लोज इंटरवल में होती है। यदि ओपन इंटरवल में है तो हमें उस बिंदु के उस डोमेन के बीच में ही उसकी परिभाषिता को देखना होता है। यदि ओपन क्लोज इंटरवल में है, संवृत अंतराल में है, तो उन बिंदुओं पर भी उसकी परिभाषित हुए या नहीं उसको चेक करना होता है। हम एक सवाल लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, परंतु इसके पहले मैं आपको बता दूं कुछ फलन स्वतः ही सतत होते हैं, जैसे बहुपद फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होते हैं, सतत होते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू जो मैंने आपके सामने लिखा है, आप किसी भी वास्तविक संख्या पर इसको ये परिभाषित भी है हर बिंदु पर, पर हर बिंदु पर इसकी सातत्य मिलेगा क्योंकि बिंदु पर मान रखने पर ये अपनी डोमेन में क्या है, परिभाषित होता है। प्रत्येक बहुपद फलन अपनी डोमेन में क्या होता है, सतत होता है। उसी प्रकार से साइन एक्स को ले लें, त्रिकोणमितीय फलनों को ले लें, वो भी अपने डोमेन में क्या होंगे, सतत होंगे। जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स सभी वास्तविक संख्याओं में होंगे। टेन एक्स कहाँ नहीं, कहाँ पर असतत होता है, 90 डिग्री पर, जहाँ पर कि वो इनफाइनाइट गेन करता है, 90 के बाद में 3/2 270 डिग्री पर, मतलब और कोएफिशिएंट ऑफ पाई बाई टू, और कोएफिशिएंट ऑफ पाई बाई टू पर क्या होगा, विषम कोएफिशिएंट पर क्या होगा, पाई बाई टू के विषम कोएफिशिएंट पर टेन एक्स असतत होगा। इसलिए इसको छोड़कर बस सभी बिंदुओं पर क्या होता है, फलन सतत होता है। मॉड ऑफ एक्स, मॉड फंक्शन भी क्या होता है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, सतत होगा। तो कुछ चीजें क्या होती है, स्वतः ही सतत होती है, जो हमें हमारे संज्ञान में होनी चाहिए। परंतु यदि मान लो कि सम आता है एनसीईआरटी का समय, सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस टू सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई डोमेन भी नहीं, डोमेन के रियल नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि बीच का कोई बिंदु लिया, एट एक्स इक्वल टू सी। सी क्या है, सी इज सच दैट सी बिलोंग्स टू आर। सी क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। तो अपन वही सबसे पहले क्या चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्या होगा, एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, अर्थात एक्स टेंस टू सी माइनस, तो एक्स टेंस टू जीरो लेने पर क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ब्रैकेट सी माइनस एच का स्क्वायर प्लस टू। आमतौर पर हम ये सीमा का मान रख देते हैं, वो भी सही होता है, परंतु नियमानुसार एक यदि पूरे नंबर को यदि हमको कवर करना है तो हम उसको एलिजिबली पूरा सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, सी स्क्वायर माइनस टू सी एच प्लस एच स्क्वायर प्लस टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर माइनस टू सी एच प्लस टू प्लस सी स्क्वायर। अब हम यहां पर सीमा का मान रख सकते हैं, जिसके आगे सॉल्व नहीं होगा। सीमा का मान रखने पर जीरो माइनस जीरो प्लस टू प्लस सी स्क्वायर मतलब टू प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये किसका मान आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब इसी तरह इसी हिसाब में अपन कौन सी लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। राइट हैंड लिमिट लेने पर लिमिट एक्स टेंड टू सी प्लस, यहां पर भी क्या आ जाएगा, सी प्लस आ जाएगा, अपन एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, सी प्लस एच। तो सेम सवाल बिल्कुल उसी स्टाइल में आगे बढ़ता चले जाएगा और क्या आ जाएगा, टू प्लस सी स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, एट पॉइंट सी एफ सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस टू, ओके सी स्क्वायर प्लस टू। तो जब हमने ये सी स्क्वायर प्लस टू लगाया तो अपने को पता चला कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ सी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस टू, अर्थात फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होगा, परिभाषित होगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा सभी में किया जा सकता है, सभी में होगा, परंतु यदि हमने कोई फलन वन अपान एक्स लिया तो क्या होगा, जब हमने फलन वन अपान एक्स लिया तो यह होगा कि यह फलन एक्स इक्वल टू जीरो पर परिभाषित नहीं है। तो हमारा जो नियम नंबर दो है असतत्य का, कि सीमा का अस्तित्व तो है परंतु फलन x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, इसलिए सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत नहीं होगा,
एक्स बराबर जीरो को छोड़कर अन्य सभी बिंदुओं पर यह सतत होगा। तो इस प्रकार से हमें सवाल को किया जा सकता है। अब जो सातत्य होता है उसकी मुख्य परीक्षा कहाँ होती है? जब फलन क्या हो, स्प्लिट फंक्शन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन टू एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और वन अपॉन टू व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, तो चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। इसको क्या कहा जाता है? स्प्लिट फंक्शन। ये फंक्शन दो भागों में बटा हुआ है, क्योंकि जब x की वैल्यू जीरो ना हो तो ये फंक्शन होगा, x इक्वल टू जीरो पर उसकी वैल्यू वन अपॉन टू होगी। तो अब हमें इसको चेक करना चाहिए कि ये कंटिन्यू है या नहीं है। तो हमको यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या लिखें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस साइन x अपॉन टू एक्स। सेम स्टाइल x इक्वल टू जीरो माइनस एच लेने पर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन जीरो माइनस एच अपॉन टू इंटू जीरो माइनस एच, मतलब लिमिट h टेंस टू जीरो साइन माइनस एच अपॉन टू माइनस आगे आ जाएगा जीरो माइनस एच में माइनस साइन आ जाएगा माइनस टू एच। अब हमें पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन माइनस टू एच, कैंसिल आउट, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन टू इंटू साइन एच अपॉन एच। सीमा का मान रखने पर साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन टू इंटू वन इज इक्वल टू वन। अर्थात हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वन अपॉन टू। अब हम क्या ज्ञात करें, राइट हैंड लिमिट ले लें। राइट हैंड लिमिट लिया अभी, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, आर एच ए राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस। अब हमारा सम क्या होगा, इस सम को यदि हम देखें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस यही चीज आएगी साइन एक्स अपॉन टू एक्स। ओके, x इक्वल टू जीरो प्लस एच, सो देट x टेंस टू जीरो प्लस, तो x टेंस टू जीरो, सम बदल के हो गया लिमिट x टेंस टू जीरो साइन जीरो प्लस एच अपॉन टू इंटू जीरो प्लस एच, मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन टू एच। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपके, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन टू साइन एच अपॉन एच। फिर सीमा का मान रखने पर ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू इंटू वन मतलब वन अपॉन टू। ये आपके कौन सी लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई, जो कि किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। अब एफ जीरो आपको कितना दिया हुआ है, वन अपॉन टू, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ जीरो, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से हम किसी भी फलन के सातत्य का परीक्षण करते हैं, जो कि हमारे क्लास 12th स्टैंडर्ड के लिए काम में आता है। सिर्फ जब वन मार्क क्वेश्चन की बात होती है तो उसके लिए हमको यही बताना होता है कि एक फलन सतत कब होता है, असतत कब होता है ना। और भी यदि अपन पढ़ना चाहें, जब कोई फंक्शन होगा मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, अब हमें पता है महत्तम पूर्णांक फलन x, तो इसका इसलिए क्या होता है कि 0 से 1 तक तो सतत होता है, मतलब इंटीजर टू इंटीजर सतत होता है। जैसे अपन इसको यदि बोलें 0 इज लेस देन 0 इज इक्वल टू लेस देन 1, ये क्या होगा, 0 होगा। फिर 1 इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन सॉरी 2, तो ये कितना होगा, 1। अर्थात इसको इसका जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो 0 1 2, 0 से 1 तक, फिर यहाँ ब्रेक होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो जैसे ही 2 पर पहुंचेगा जंप करेगा 2 तक चले जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन पूर्णांकों पर असतत होता है, जितने भी पूर्णांक हो गए वहां पर मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो
कुछ चीजें हैं ये जो वन मार्क क्वेश्चन के लिए होती है कि भाई मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन कहां पर असतत होते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन कहां असतत होते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांकों पर असतत होते हैं। इस प्रकार से और यदि हम देखें कि log x से log x का क्या है, log x का डोमेन होता है log 0 से शुरू होकर कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि log 0 इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, वो 0 से 1 तक जो होता है वो नेगेटिव होता है और फिर उसके बाद में बढ़ता हुआ चले जाता है। तो अब यदि कोई आपसे कहे कि log x कहां पर असतत होता है, तो log x कहां पर असतत होगा, लेस देन 0 पर, और ऑल नेगेटिव नंबर्स सभी ऋणात्मक संख्याओं के लिए log x क्या है, परिभाषित नहीं है, इसलिए सभी ऋणात्मक संख्याओं पर फलन क्या होगा, असतत होगा, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए log x सतत होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमको वन मार्क क्वेश्चन के लिए तैयार करनी होती है। आगे जो है आपको यदि कोई डाउट आता है तो निश्चित ही आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9424915। हाँ, आज हम शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स कंटिन्यूटी के। अपन अभी तक जो है कंटिन्यूटी का वो पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ा है, कंटिन्यूटी का थ्योरी पढ़ने के बाद में कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे। आज फिर एक बार अपन उसके एग्जांपल्स को कैरी ऑन करते हैं ताकि हमारे दिमाग में कंटिन्यूटी पूरी तरह से बैठ जाए, क्योंकि कंटिन्यूटी कोई भी मैथ्स का सबसे बड़ा फंडा होता है उसकी प्रैक्टिस। तो किस प्रकार से हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं और किस प्रकार से उसको डिराइव करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती है, तो हम इन सब चीजों पर आज डिस्कस करते हैं। जैसे एक एनसीईआरटी का सम है, चेक द कंटिन्यूटी, है ना, क्या है, सातत्य परीक्षण कीजिए, वन एफ एक्स इक्वल टू वन अपान एक्स माइनस ए एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर हमको इसका सातत्य परीक्षण करना है। तो जैसे अपन ने कल देखा था कि सातत्य परीक्षण के लिए हमको तीन शर्तें होती है, या तो क्या हो सबसे पहले कि ये डोमेन में सतत हो, डोमेन हर फलन अपने डोमेन में क्या होता है, सतत होता है। यदि वो फलन उसके डोमेन में नहीं आ रहा है, वो बिंदु उसके डोमेन में नहीं आ रहा है, तो वहां पर वो फलन असतत हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस ए दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस ए यदि जीरो हो जाता है तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, मतलब फलन क्या हो जाएगा, यदि एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो हो तो फलन क्या होगा, फलन अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वन अपान ए जीरो दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अर्थात फलन अपनी डोमेन में बिंदु ए पर क्या है, अपरिभाषित है। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि फलन जो है एक्स बराबर ए पर असतत है। समझ में आया ना, कैसे आया, आपने सबसे इसका पहला बिंदु देख लिया, वो देखा था कि फलन अपरिभाषित है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास कि यदि हम एफ एक्स इक्वल टू x माइनस टू वेन x इज लेस देन टू और x प्लस टू वेन x इज ग्रेटर देन टू, ये हमको कोई फलन दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि x इक्वल टू टू पर सातत्य परीक्षण कीजिए, कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो आप कैसे करेंगे भाई सातत्य परीक्षण, सातत्य परीक्षण करने के लिए आपको आपको क्या बोला हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए और फंक्शन उस बिंदु पर परिभाषित होना चाहिए, तीनों के मान समान होने चाहिए। तो हम यहां देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू लेना होगा। हम किस प्रकार से लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एक्स माइनस टू और एक्स इक्वल टू टू माइनस एच रिप्लेस करने पर हमारे पास सम हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टू माइनस एच माइनस टू दैट इज जीरो। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लेने पर एफ एक्स इक्वल टू एच प्लस टू मतलब लिमिट एच टेंस टू टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू टू प्लस एच प्लस टू मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो टू प्लस एच माइनस टू, टू से टू कैंसिल हो गया ये आ गया जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है इक्वल है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर होने पर। परंतु यहां दिक्कत ये है कि हम एफ टू कहां से लें, एच एच बराबर टू पर फलन का मान कौन सा लें, ये या ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा को हमें दिख रहा है कि एक बराबर दो रखने पर यहाँ पर जीरो आ जाएगा, दो रखने पर यहाँ पर चार आ जाएगा,
लेफ्ट हैंड लिमिट पर वो वैल्यू आ रही है, राइट हैंड लिमिट पर वो वैल्यू आ रही है, सॉरी क्या होगा 2 + 2, ये कितना जाएगा 4, ये कितना जाएगा, आंसर इसका आ रहा है 4। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है, इसलिए फलन क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। पहली चीज। अब यदि हम इसके सातत्य के ऊपर हम डिस्कशन करना चाहें तो लेस देन 2 पर भी सातत्य है, ग्रेटर देन 2 पर भी सातत्य है, परंतु x बराबर 2 पर ये डिफाइन नहीं है, इसलिए फलन क्या होगा, असतत होगा। दो कारणों से असतत हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और दूसरा कारण है कि यह फलन x बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है, x बराबर 2 पर इसकी कोई वैल्यू, निश्चित वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार का भी ये दूसरी प्रकार की असतत्यता होती है। फिर यदि हम आगे बढ़े तो हमें जो एग्जाम में जो सम आता है, मोस्टली जो पूछा जाता है वो होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। मान लिया कि सवाल हमको दिया हुआ है fx इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू सॉरी एक मिनट अपन सवाल को बुक में सुधार लेते हैं, है ना, इसको बंद कर ऑफ कर देते हैं। हम सवाल कंटिन्यू करते हैं। हमारा सवाल है fx equal to k cos x upon pi minus 2x when x is not equal to pi by 2 or equal to 3 when x is equal to pi by 2। तो हम इस सम k का जो वैल्यू ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और पाई बाई टू पर हमको वैल्यू दी हुई है 3, उसके इक्वल कर देंगे। हमने सबसे पहले लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, सम लिखा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस h, सो देट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, सो देट h टेंड्स टू 0। हमारा सम चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई टू माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई टू माइनस h। सम हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई टू माइनस थीटा मीन साइन थीटा पाई माइनस पाई प्लस h, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू साइन h अपॉन h, सीमा का मान रखने पर ये इक्वल टू 1 होता है, अर्थात वैल्यू आ गई k। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया है a। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लेने के लिए हमको क्या लिमिट लेनी होगी, सेम सवाल, यही चेंज होता है सिर्फ एक लाइन। क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर दक्षिणस्थ सीमा लेने को, राइट हैंड लिमिट लेने पर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। यहां पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एक्स, सो देट एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस, तो एक्स टेंस टू 0, ठीक है, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 के कॉस पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई टू प्लस एच। आगे बढ़े, हमें पता है कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 के इंटू माइनस साइन एच अपॉन पाई माइनस पाई माइनस एच, मतलब लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस के इंटू साइन एच अपॉन माइनस, कैंसल हुआ प्लस हो गया, सीमा का मान रखेंगे ये 1 हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया के, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट। क्या पता चल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू के, और अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी हमें क्या देखना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ पाई बाय टू, दैट इज के इक्वल टू 3, और सो दैट वी कैन से
अर्थात हम कह सकते हैं कि k इक्वल टू 3 के लिए फलन सातत्य होगा। इस प्रकार से मैंने आपको तीन वेरियस प्रॉब्लम्स बताई है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बुक में दी हुई है, एनसीईआरटी में दी हुई है, और भी अन्य बुक्स के अंदर आप उसको सॉल्व कीजिए। और जो प्रश्न आपको नहीं आता है, मैंने आपको कल भी नंबर दिया था, उस नंबर पर आप कॉल करके मुझसे अपने सारे सम्स को पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9424915976। ओके, थैंक यू।